ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था, मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था, क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा यह भी हमको विश्वास था, और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे। लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया।
एटमी हथियार, रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं न कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है, और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। आलोचना तो अग्नि दो की भी हुई है, और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि टू का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे।